नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका विषय है अपने घर आंगन में चाहती है सुख शांति तो इन लोगों से फौरन बना लीजिए दूरी। आज के समय में महिलाएं सिर्फ घर परिवार तक सीमित नहीं है, उनके मन में बहुत कुछ करने की चाह होती है। वे घर पर रहते हुए भी खुद को क्रिएटिव तरीके से एंगेज रखना चाहती है, अपनी हॉबीज पर फोकस करना चाहती है, ट्रैवलिंग और अपनी पसंद की दूसरी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व रखना चाहती है। वही वर्किंग लेडीज़ अपने ऑफिस में अपने बेहतरीन काम से एक नया बेंचमार्क सेट करना चाहती हैं। ऐसी महत्वाकांक्षी महिलाओं को एक समस्या का सामना हर जगह करना पड़ता है। उनके आसपास ऐसे कुछ लोग जरूर होते हैं जो उनके लिए परेशानी खड़ी करते हैं, या फिर उनके साथ खड़े होने का दम भरते हैं और ज़रूरत पड़ने पर असली रंग दिखा देते हैं। ऐसे लोगों से परेशान होने के बजाय आपको इन्हें सही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। उनकी बातों में आकर अपना इरादा बदलने से पहले इस बारे में सोचें कि अगर वे कुछ कह रहे हैं तो वे कितने तर्कसंगत हैं। उनके विचारों को परखने के बाद ही अपने फैसले लें। आइए जानें कि ये कौन से लोग हैं जो आपकी राह का रोड़ा बनते हैं, ये जलते हैं आपसे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से हैं तो आपसे जलने वालों की कमी नहीं होगी। कुछ लोगों को आपकी इसी बात से चिढ़ या ईर्ष्या हो सकती है। उन्हें आपके सपनों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वे आपके बारे में एक इंडिविजुअल के तौर पर सोचते हैं। ऐसे लोगों को आपको क्रिटिसाइज करने में आगे रहने में मज़ा आता है और उन्हें आप आसानी से पहचान सकती हैं। ऐसे लोगों को हर चीज़ में खोट नज़र आता है, चाहे रियलिटी में वह हो या ना हो। वे आपकी बातों को खारिज कर सकते हैं और अगर आप ऐसे लोगों की सलाह मानकर चलने लगी तो आपके लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। ये नहीं करते मोटिवेट, ऐसे लोग आपके खिलाफ नहीं होते, ये आपको सपोर्ट तो करते हैं लेकिन मोटिवेट नहीं करते। ऐसे लोग आपके एफर्ट्स की काफ़ी तारीफ नहीं करते, जिससे आप फ्रस्ट्रेट महसूस कर सकती हैं। दरअसल ऐसे लोग खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वे नेगेटिव होने या फिर ख़राब तरीके से रिएक्ट करने से बचते हैं। ऐसे लोगों की खामोशी आपको डिमोटिवेट कर सकती है, इसलिए ऐसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज या उनकी शांति से आप प्रभावित ना हों और पूरे एक्साइटमेंट के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती रहें। ये साथ देना का करते हैं ढोंग। आप अपने आसपास या रिलेटिव्स में ऐसे बहुत से लोग को पहचान सकती हैं जो आपके साथ खड़े होने की बात कहते हैं लेकिन रियलिटी में वो आपको मूर्ख ही बना रहे होते हैं। ऐसे लोगों को आपकी बातों या आपके एफर्ट्स में रुचि नहीं होती लेकिन साथ रहकर वाहवाही लूटना चाहते हैं या अपना काम निकलवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के पास न तो आपके लिए किसी तरह के अच्छे सुझाव होते हैं न ही कोई बेहतर प्लानिंग। ऐसे लोगों को अपना समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। इन्हें सब में नज़र आती है कमी। अक्सर कहा जाता है कि आपको कुछ क्रिटिक्स को भी अपना दोस्त बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वे आपको आईना दिखाने का काम करते हैं, लेकिन इन क्रिटिक्स के रिएक्शन पर भी गौर फरमाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर वे आपको या आपकी चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटली लें और आपको आत्मविश्वास डगमगाते हुए आप खुद महसूस करें तो आपको इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। उनके तर्कों को आप ध्यान से सुने लेकिन अपनी लाइफ या कैरियर के मामले में अमल उन्हीं विचारों पर करें जो आपके लिए सहज और व्यवहारिक हो और जिसके लिए आपका मन खुश हो। अपनी सी करने के लिए डालते हैं ये दबाव। ऐसा व्यवहार करने वाले लोग अक्सर समाज में एक पोजीशन तक पहुंच चुके होते हैं, इनका काफ़ी रुतबा होता है और हर जगह ये अपनी चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की चाहत रखते हैं, वे लोगों को मुफ्त में सलाह देते हैं और उनका प्रयास यही होता है कि लोग उनके पास बार बार राय लेने के लिए आए और उन्हें महत्व दें। ऐसे लोग दूसरों को अपनी कठपुतली बनाने से भी गुरेज नहीं करते, इससे उनके अहम की संतुष्टि उन्हें प्राप्त होती है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये किसी की भी सोच को गहराई तक प्रभावित कर सकते हैं। ये लोग आपको ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं जिससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप इन बातों पर गौर करके ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आ पाए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।